किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करने के बाद आज सिरसा में किसानों का महासंग्राम हो रहा है। इसके लिए पूरे हरियाणा भर से किसानों को कॉल दी गई है कि वो सिरसा में इकट्ठे हों। इसको विफल करने के लिए प्रशासन ने अपने तई बहुत कोशिशें की हैं, हर तरह की व्यवस्था की गई है। पूरे शहर के बड़े भाग को बैरिकेडिंग की गई है, अर्धसैनिक बल बुलाए गए हैं, हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत जो बड़े नेता हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, किसानों की पंचायत में वो शिरकत करेंगे। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट से ये घोषणा की है और उनकी इस घोषणा के साथ ही सिरसा का ये बड़ा संग्राम और बड़ा संग्राम बनने जा रहा है। सिरसा में आज किसानों का एक महासंग्राम होने जा रहा है। जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई थी और देशद्रोह जैसे मुकदमे दायर किए गए थे किसानों पर, उसके बाद किसानों ने घोषणा की थी कि 17 तारीख को यानी आज वो एक बहुत बड़ा घेराव करने वाले हैं। और उसकी तैयारियों के लिए आज सुबह जो जो किया प्रशासन ने, वो ऐसी व्यवस्था है जैसे किसी दूसरे देश में लांग कर जाना हो, ऐसी व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है। और चारों तरफ हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं MLAG.com पर, हर तरफ से बैरिकेडिंग है, बहुत बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, कांटेदार तार लगाई गई है और जैसे परिंदे को पर नहीं मार देने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां यहां पर आई हुई हैं। तमाम जो इलाके हैं और ख़ास तौर पर ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, ये सचिवालय है, लघु सचिवालय है सिरसा का, यहाँ पर तमाम सरकारी काम होते हैं। लेकिन लगता है आज तमाम काम बंद रहेंगे क्योंकि सारे प्रवेश द्वार ही बंद हैं। यहाँ पर अदालतें हैं, तमाम प्रशासनिक यहाँ पर अफसर बैठते हैं, DC बैठते हैं, SDM बैठते हैं, तमाम जो भूमि के रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर होते हैं, रजिस्ट्रियाँ यहाँ पर होती हैं। लेकिन लगता है आज यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। और लगातार ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों और जो सरकार के बीच रस्साकशी है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उससे कितनी ज़्यादा समस्या लोगों को हो रही है, कितने परेशान हो रहे हैं लोग। लेकिन एक जैसे बाजिद हैं दोनों ग्रुप के, वो माने के वो माने, इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। अगर आप यहाँ बात करें बरनाला रोड की, तो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी CM हैं, उनका भी निवास है, उनके निवास के आगे भी ऐसी व्यवस्था है और तमाम फोकस वहीं रहता है बाबा भूमन शाह चौक पर, क्योंकि वहाँ पर लगातार आंदोलन चलता रहा है। वहाँ पर भी आज ऐसी व्यवस्था है। वरुण जो वाहन लाए गए हैं पानी की बुछारें करने के लिए, अर्धसैनिक बलें हैं, महिला पुलिस हैं, तमाम ऐसी व्यवस्था पूरे शहर में जैसे एक सुनसान कर दिया हो इस क्षेत्र को, ऐसा लग रहा है। और इसमें क्या होगा, किसका भला होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन आज के दिन लोग भारी मुसीबत में हैं, सिरसा के लोग, और किसानों का जो संघर्ष आने वाले कुछ घंटों में होने वाला है वो भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहा हूँ।